नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। आंवला के कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर सर्वराज सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा पंचर जोड़ने वाला बन गया 200 करोड़ का मालिक। जनपद बरेली की आंवला लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कुंवर सर्वराज सिंह ने बीजेपी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर निशाना साधते हुए कहा कि आंवला क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इतना जरूर है कि पंचर जोड़ने वाला 200 करोड़ रुपए का मालिक हो गया है, यही विकास है। मैंने क्षेत्र में पहले भी काम किया है और आगे भी करूंगा। राहुल गांधी ने जो गरीब परिवारों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है, उससे विपक्ष घबरा गया है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। किसानों कर्ज माफ किया, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां किसानों का कर्जा माफ किया गया। मैं जनता का पहले भी सेवक था और अब भी हूं, और जनता मुझे मेरे काम के आधार पर वोट देगी। 25 करोड़ देश की जनता तो लगभग 2.5 करोड़ लोग और बसते हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। मगर जनता की तरफ से जब तक रिएक्शन आए, जिन लोगों को सबसे ज़्यादा इससे नुकसान होने वाला है वो सबसे ज़्यादा चिल्लाना शुरू किए। यहाँ तक कि नीति आयोग के वो भी सामने आना पड़ा अपनी सफाई देने के लिए कि ऐसा नहीं होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि तीर निशाने पर पड़ा है और जनता इस बात का फैसला कांग्रेस ने जो घोषणाएं आज तक की है उनके लिए पूरी तरीके से फलीभूत होंगे। जनता के बीच में चाहे वो कर्ज माफी 2009 में हो, चाहे अभी रिसेंटली जो तीन राज्यों के चुनाव हुए वहाँ पर सरकार बनने के ओथ के बाद में सबसे पहले घोषणा हुई, यहाँ पे भी कर्ज माफी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। वो किस तरीके की कर्ज माफी की घोषणा थी वो मजाक बन के रह गई है जनता में। जिन लोगों के लिए बड़ी उम्मीदें थी आज वो सरकार के प्रति नफरत की नज़र से देखने लगे। तो मैं इसी संदर्भ में आपके लिए समाजवादी पार्टी छोड़ने की क्या वजह लंबे लंबे टाइम तक समाजवादी पार्टी में रहे उसमें हम समाजवादी पार्टी में थे फिर हम निकाले गए फिर मैं दोबारा गया वो गलत किया। अब जिसको छोड़ दिया उसके ऊपर मैं क्या बोलूं, बस छोड़ दिया। उन्होंने हमें छोड़ दिया, हमने उनको छोड़ दिया। टिकट नहीं देने की वजह एक रही है, टिकट की बात नहीं है, सम्मान की बात है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं इतने दिन रहा क्यों। अगर आप यही पूछोगे तो मैं पूछूंगा, वो कहूँगा आपसे कि मैं रहा ही इतने दिन। क्या लगता है समाजवादी पार्टी में बुजुर्ग जो नेता है पुराने नेता उनका सम्मान खत्म हो गया है? हमें तो चापलूसों के अलावा किसी सम्मान ही नहीं दिखाई पड़ता है, तो मैं बुजुर्ग और नौजवान की बात कैसे करूं? तो क्या पार्टी चापलूसों की पार्टी बन करेगी? लगता तो ऐसा ही है। आने वाले समय में लोग यहाँ पे आज जो लोग बैठे हुए हैं वो टिकट की आस में बैठे हुए हैं। नहीं, मायावती ने गठबंधन किया है, क्या लगता है उस गठबंधन का कुछ नतीजा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्या लगता है? ये गठबंधन जो है ये ठगाई हो रही है। तो नीचे करो यार पैसे, मैंने तो कल्पना भी नहीं की 25 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़ ये रेट लग रहे हैं। अगर आप पता करोगे तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो कैसे आए हैं, किसी से छुपा नहीं। यहाँ से लेकर नोएडा तक आप चले जाओ, ये हम नहीं कह रहे हैं, क्षेत्र की जनता कह रही है। आंवला में आप लंबे समय तक रहे हैं राजनीति में, एक बात ये थी, किससे मुकाबला लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। वो लोगों से मुकाबला कैसे होगा जो न 3 में न 13 में, उनको तो अभी आके पहचान के लिए लड़ाई लड़नी है।
और फैसला होना कामों के आधार पे और व्यक्तित्व कर्तृत्व के आधार पे, तो वो कहाँ है? लोग कह रहे हैं कि सांसद धर्मेंद्र कश्यप विकास के लिए बहुत विकास कराया है, बहुत ईमानदार हैं, क्या क्या कहेंगे? अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी बस वही रहेगी। ये तो ये चुनाव होता ही इसलिए कि पूरी चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आए। ये बात सही है कि धर्मेंद्र ने बहुत विकास किया, विकास पुरुष हैं, मगर अपने परिवार की कोठी बहुत बड़ी बनवाई है, कई एकड़ बनवाई, बड़े बड़े हॉल बनवाए इसी के, जो कभी पंचर जोड़ते थे वो 200-200 करोड़ की आती है। तो भाई ये तो अगर विकास को अगर यही विकास कहते हो तो बहुत बड़ा विकास है, तो हम बिल्कुल नहीं लगे। क्या मुद्दे क्या रहेंगे, आप जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आंवला में? यही मुद्दे रहेंगे जो आपके बात को हिला मत, पैर छूना दूसरी चीज है, जनता को बेवकूफ बनाना दूसरी चीज है, मगर जब धरातल पे होते हैं तो धरातल पे जनता काम देखती है और 5 साल का आकलन करती है, जनता आकलन किए बैठी। कहते प्रियंका गांधी जी के आने से पार्टी का भविष्य अब अच्छा नजर आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा है। सरकार बनाने की बना सकते हैं क्या? सरकार बनाएंगे। बरेली से बबलू सागर के साथ सूरज सागर की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। UFT News 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।